कराची में टारगेट किलिंग का स्विच फिर ऑन। फायरिंग के वाकयात में थानेदार समेत 3 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाल फ्लैट के करीब कार सवारों ने सब इंस्पेक्टर इकबाल को 9 mm से हदफ बनाया। 2 राहगीर जख्मी भी हुए। जमशेद रोड और कोरंगी में एक एक शख्स कत्ल। कोरंगी में फायरिंग का मुलजिम पकड़ा गया। सिंध यूनिवर्सिटी में तालिबा नायला रिन की मुबैना खुदकुशी के केस में नया मोड़। जामशोरो पुलिस ने कोटरी से एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। अनीस खासखेली को मोबाइल फोन डेटा की मदद से गिरफ्तार किया गया। अनीस सिंध यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म। पहले नंबर दे थी नंदू वाले ने शुक्रिया अदा करने हैं कि जिन्ना सानू तावन किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, 92 जिंदाबाद। तुर्की में यरकमाल बनाए गए 6 पाकिस्तानी बाजियाब। गुजरांवाला के 4, पिशावर और मर्दान का एक एक नौजवान शामिल। बाजियाब पाकिस्तानियों के घरों में खुशियों के डेरे, मुबारकबाद देने वालों का तांता। 92 न्यूज ने मुखबिर पाकिस्तानियों का मामला सबसे पहले उठाया। घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का केस। चीफ जस्टिस ने नोटिस पर मेडिकल बोर्ड तश्कील। 10 साल की तैयबा के वालिदैन होने के नए दावेदार भी सामने आ गए। फैसलाबाद की कौसर बीबी का कहना है कि बच्ची का असल नाम सना है। 25 फरवरी 2015 को अगवा हुई। पुलिस ने मुकदमा अज खुद खारिज कर दिया। नवाज शरीफ कब कब किस किस ओहदे पर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलात आज तलब कर ली। अदालत का पानामा केस की रोजाना समाअत का भी फैसला। जस्टिस आसिफ खोसा का कहना है देखना होगा, सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ। अदालत को सियासी अखाड़ा ना बनाएं। अहाते में मीडिया चौक पर पाबंदी। पीपल्स पार्टी अपने बानी जुल्फिकार अली भुट्टो की 89वीं सालगिरह आज मनाएगी। मुल्क भर में तकरीबात होंगी। नोडेरो हाउस में केक काटने की तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक होंगे। गढ़ी खुदाबख्श में मजार पर भी जाएंगे। बिलावल का कहना है कि भुट्टो के मिशन की तकमील तक चैन से नहीं बैठेंगे। एहतजाज एहसन ने आसिफ जरदारी के पार्लियामेंट में आने की मुखालफत कर दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा की 92 न्यूज के प्रोग्राम 92@8 में गुफ्तगु। कहा उनसे पूछा जाता तो वो साबिक सदर को पार्लियामेंट से बाहर रहकर पार्टी की रहनुमाई करने का मशवरा देते। कराची में कचरा अब चीनी कंपनी चुनेगी। शहर की सफाई के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनरी की पहली खेप पहुंच गई। लोडर, डंपर, बॉबकेट, डस्टबिन और शाहराहों की धुलाई की मशीनरी शामिल। कंपनी जिला जनूबी और शर्की में घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करेगी। लाहौर की अहम सड़कों पर दिन भर लगे कंटेनर्स को रात गए हटा दिया गया। कंटेनर्स के बायस कई इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। अहम सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। तुर्की के रेस्टोरेंट में फायरिंग। अरब मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया इस्तांबुल के फतेह जिला में पेश आया। कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला। तुर्क मीडिया का कहना है फायरिंग का ये वाकया दहशतगर्दी नहीं, जुर्म का एक वाकया है। इलाकों में बारिश। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। मलका कोहसार में बर्फ गिरने पर सयाहों की खूब मौज मस्ती। शांगला में पहाड़ियों के बाद वादियों में भी बर्फबारी हुई। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। और कौमी टीम को सिडनी टेस्ट में वापस आने के लिए आज जिम्मेदाराना बैटिंग करना होगी। पाकिस्तान की 2 विकेटों पर 126 रन। यूनस खान और अजहर अली इनिंग्स आगे बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 213 रन दरकार।